दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर वार्ड 14 की पार्षद पद की उम्मीदवार जूली परवीन एवं टीएमसी झारखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार खान के सौजन्य से विभिन्न स्थानों पर 201 जरूरतमंद श्रद्धालुओं के बीच वस्त्र वितरित किया गया। बता दें कि कुसुंडा स्थित मंदिर के प्रांगण में दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने पार्षद प्रत्याशी जूली परवीन को आमंत्रित कर उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही समिति के द्वारा जूली परवीन को फूलमाला पहनाकर और बुके देकर सम्मानित किया गया। पूजा मंडप पर उपस्थित जनसमूह के द्वारा दिए गए सम्मान और अपार स्नेह से प्रफुल्लित समाज सेवी जूली परवीन ने जनता का आभार व्यक्त किया तथा सभी को दुर्गा पूजा की बधाई दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रभारी हाजी जमीर आरिफ ने भी कोयलांचल सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। क्या कुछ कार्यक्रम कर रही हैं? मैं वार्ड नंबर 14 में कुसुंडा खरकाबाद में आकर यहाँ के कुछ ज़रूरतमंदों के बीच में कपड़ा वितरण कर रहे हैं कि वो भी दुर्गा पूजा अच्छे से मना सकें। और मेरे तरफ से हम सभी देशवासियों झारखंड वासियों को सबको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कितने लोगों के बीच में साड़ी वितरण किए हैं? आज हम लोग 200 लोगों के बीच में साड़ी वितरण किए हैं और आगे भी कल भी दशहरा है उसमें भी करने का प्रयास। शुक्रिया। कार्यक्रम आयोजन किया गया दशहरा के पावन अवसर पर आज वार्ड संख्या 14 की भावी पार्षद उम्मीदवार जूली परवीन उर्फ जूली बाजी एवं टीएमसी झारखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुख्तार खान जी के सौजन्य से जरूरतमंद श्रद्धालुओं के बीच में आज हम लोग वस्त्र वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। कुसुंडा स्थित दुर्गा मंदिर में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ लोगों के आमंत्रित किए जाने पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और ये पुनीत कार्य करने का हम लोगों का अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी का सहृदय आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से यहाँ के तमाम जनता सहित कोयलांचलवासी समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। कितने लोगों के बीच आयोजन हो रही है? आज हम लोगों ने 201 लोगों के बीच में वस्त्र वितरित करने का कार्य किया। पूर्व में भी ये कार्य किया गया था और कल भी विजयदशमी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचने का कार्य करें।